ये खबर तो फिर अच्छी है। हाँ, वरना आजकल कौन हलाल और हराम में तमीज करता है। ऐसा करो कि वो लड़के वालों से कहो कि वो आकर देख लें इसे, हमें कोई इतराज नहीं। ठीक है। वैसे मेरे दिल में ना एक और बात भी आ रही थी, पता नहीं आपको सुन के कैसा लगेगा। बात बताओगी तो पता चलेगा। वो शिप्रा के रिश्ते की बात हुई ना, तो मेरे दिल में फजल बख्श का ख्याल आया। वो भी तो इतना अच्छा लड़का है, शरीफ, ईमानदार, सीधा साधा सा। फजल बख्श, सब ये पागल हो गई हो क्या? भी कहा हमारी शिप्रा और कहा फजल बख्श, क्या हो गया? क्यों? क्योंकि वो सीधा साधा और गरीब है इसलिए। अरे भाई नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। रहने दो भाई, तुम नहीं समझोगे। समझा देना, समझ लूंगी। समझाए सफिया, फजल बख्श और शिब्रा में बहुत फर्क है, ठीक है? जैसे सोच का, तालीम का, प्रोफेशन का। भाई शिब्रा ने आगे जाके CSS करना है, फजल बख्श चलो कोई बहुत तीर मार ले तो 20-25 साल में सुपरिटेंडेंट बन जाएगा ना। तो कैसे बनेगी ये जोड़ी, कैसे चलेगी? और अगर शिब्रा को कोई एतराज ना हो तो? रहने दो भाई सफिया, तुम नहीं समझ सकोगे। और हाँ, याद आया, फजल बख्श साहब ने पहले से कोई लड़की पसंद कर रखी है, उसे बहुत मोहब्बत है उससे, लेकिन वो लड़की का बाप नहीं मान रहा है। तो अच्छी बात है ना कि ना माने। भाई आप खुद देखें, अगर आज हम जिंदा हैं और खुश हैं तो फजल बख्श की वजह से। मानता हूं मैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम शिब्रा की। जानती हूँ सुलेमान, जानती हूँ। शिब्रा आपको बहुत अजीज है और आप चाहते हैं कि उसका कहीं म्यारी रिश्ता हो, लेकिन जो मैं कह रही हूँ ना वो भी गलत नहीं है। तुम कुछ ना करो भाई, वो लड़की वालों से कहो कि वो आके शिब्रा को देख लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। और आपकी बहन से क्या कहूँ जो बार बार रुख्सती की तारीख पूछ रही है। आप उनसे कोई बात ना करें, नरगिस से मैं खुद कर लूंगा बात। भिंडी फ्राई खाएंगे या सालन बनाऊं बच्चों के लिए फ्राई करें? फ्राई कर दो, हमें भी तो फ्राई कर ही दिया तुमने। मजाक कर रहा हूं, क्या हो गया?